1160 साल قبل مسیح فدان بابل کے جنوب میں واقع ایک پرامن شہر इश्तारे बुजुर्ग, इस बच्चे को शिफा अता कर, इसकी परेशान माँ का दिल शाद कर दे और इसकी माँ की परेशानी को शादबानी में बदल दे। ए मेरे खुदा, इस बच्चे को शिफा अता कर। इस बच्चे की माँ यह अहद करती है कि तेरी बारगाह तेरे हुजूर में कीमती नजराने पेश करेगी। मैंने इश्तारे अजीम से तुम्हारे बच्चे की जिंदगी की दुआ की है, उसने मेरी दुआ सुन ली। जाओ और अपने बच्चे की इस तरह तरबियत करो कि वह बड़ा होकर इश्तार का पैरोकार बने। आपकी और इश्तारे अजीम की बहुत बहुत मेहरबानी। इश्तारे मेहरबान पे दुरूद सलाम हो। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मेरा बच्चा मौत के दहाने पर था, आपने उसे नई जिंदगी बख्शी। इश्तारे अजीम बुजुर्ग, इश्तर को सलामत रखे, इश्तर की हिफाजत फरमाए। यकीनन ये बच्चा भी हमारे बच्चे की तरह शिफायाब हो जाएगा। हाँ, इश्तार मेहरबान और कुदरतमंद है, यकीनन इसे भी शिफा देगा। यकीनन ऐसा ही है। चले चलो चले। ये तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम लोग जो खुद मस्जिद मलाइक हो, अपने ही बनाए हुए खुदाओं के सामने माथा टेकते हो। तमाम कायनात इंसान की ताबे है, फिर भी तुम इन बेजान पत्थरों और बुतों के सामने सर झुकाते हो। तुम ये सब बातें अपने तय कर रहे हो और बेकार में हमारे खुदाओं की तोहीन कर रहे हो। मैं खुद से ये बातें नहीं कह रहा हूँ, मैं खुदा का नबी हूँ और मेरी बातें कलाम इलाही में से हैं। ये किताब वो आसमानी सहीफा है जो मेरे जद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ। मैं उनके दीन का पैरोकार हूं और इस किताब की तरवीज और तबलीग पर मामूर हूं। मैं खुद से कुछ नहीं कह रहा। इस आसमानी किताब में यह भी लिखा है कि तुम हमारे खुदाओं की तौहीन करो। मैं तौहीन नहीं कर रहा, सिर्फ सवाल कर रहा हूं। अगर जानते हो तो जवाब दो, अगर नहीं जानते तो कबूल करो। मैं आपसे पूछता हूं, इश्तार की इबादतगाह के बुत तुम्हारे खालिक हैं या तुम्हारी मखलूक? तुम लोग इश्तार के हुक्म किताबे हो या वो तुम्हारे ताबे हैं? इश्तार तुम पर हुक्म चलाता है या तुम उस पर? अगर इश्तार एक कमजोर और नातवां पत्थर है तो फिर उसने किस तरह हमारे बेटे को शिफा बख्शी? सही कह रहा है, हमने भी देखा है। हाँ, ये ठीक कहता है, इश्तार ने इसके बेटे को शिफा दी, मैंने देखा है। वो हकीम दाना जिसने तुम्हारी आवाजारी सुनी, उसी ने तुम्हारे बच्चे को शिफा बख्शी, ना कि इश्तार ने। तुमने अगरचे गैर खुदा से लौ लगाई और गैर से ही मदद तलब की, लेकिन वो जो तमाम बंदों के हालात से वाकिफ है, उसने तुम्हारी हालत इजार पर रहम किया और तुम्हारे बच्चे को जिंदगी बख्शी। तुम्हारे पास बसारत तो है लेकिन बसीरत नहीं। तुमने इश्तार को देखा लेकिन हकीकी शिफा देने वाले को नहीं देखा। याकूब की बातों का खुलासा यह है कि हम अपने खुदाओं को छोड़कर
इसके खुदा की इबादत करें। क्यों, सही कहा ना? भला हमारे खुदाओं से हमें क्या मिल गया जो तुम्हारा खुदा देगा? मैं तुम लोगों को खुदाए यक्ता की परस्तिश की दावत दे रहा हूँ। कायनात की हर शय से बाला। हम क्या जाने कि तुम्हारा खुदा बाकी दीगर खुदाओं से बेहतर और बरतर है? क्या मालूम कि तुम और तुम्हारा खुदा माबूद इश्तार के काहिनों की तरह सेम उधर जमा करने और अपने मुनाफे के उसूल की फिक्र में नहीं हो? सब जानते हैं कि मैं लाबान का गल्ला चराता हूँ और मेरे पास अपना साथ ही कुछ नहीं है। क्या मैंने अब तक आप लोगों से उजरत तलब की है? क्या अब तक सिवाय मेहनत और मशक्कत के कुछ और करते देखा है? अगर बाद में उजरत तलब कर ली तो? अब तक तुम्हारे पास ताकत नहीं थी, वरना तुम भी काहिनों से कुछ कम नहीं होते। तुम सब एक जैसे हो, सिर्फ अपने मफादात की फिक्र में रहते हो और अपने पेटों को भरने और खजानों के अंबार जमा करने में लगे रहते हो। तुम हक बजाने हो, तुमने अपना अकलौता बीमार बेटा खोया है और किसी ने भी तुम्हारी मदद नहीं की, ना ही ईस्टर जादूगरनी ने और ना ही माबूद के खुदा इश्तार ने। अगर तमाम खुदाओं से भी मुंह मोड़ लो तब भी हक बचाने को। मुझे माबूद के आजिज खुदा इश्तार से कोई सरोकार नहीं। मैं तुम्हारे नादीदा खुदा के बारे में बात कर रहा हूँ। हमने इन बेजान पत्थरों के खुदाओं से क्या कुछ नहीं सहा, अब किसी और खुदा के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। माबूद के काहिन आ गए, यहाँ से जल्दी निकलो। भाग जाओ फारिस, भाग जाओ। उस तरफ इसे छोड़ दो। जाओ, उसे पकड़ो, आग नहीं ना पाए। जाओ, अगर हाकिम लाबान के दामाद ना होते तो तुम्हारे साथ वो करता के। मुझे तुमसे और काहिनों से कोई खौफ नहीं। जाओ यहां से और मजीद याकूब की कुफर आमेज बातों पर कान मत धरो। क्या दिखाई नहीं दे रहा कि याकूब की कुफर आमेज बातों की वजह से फदान को कहत का सामना है? चलो इससे चलो पहले यहां से चलो, गजब नाजिल हो जाए। चलो चलो, चलो यहां से जल्दी चले। चलो चलो चले, चलो जाओ, चलो चलो, चलो यहां से जल्दी करो। आ जाओ, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। चलो भाई तुम भी यहां से चलो। अगर जल्द बारिश नहीं बरसी तो फद्दान के लोगों की तमाम फसलें तबाह हो जाएंगी। उम्मीद है कि खुदा जल्द से जल्द इस शहर पर बार आने रहमत नाजिल करेगा। बाबा ये क्या हो रहा है? ये इन लोगों की पुरानी रस्म है। ईस्टार के दुश्मनों को नजरे आतिश किया जाता है, मंजनीक के जरिए आग में जलाना। छोड़ दो मुझे, आखिर मेरा गुनाह क्या है, मैंने किया क्या है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तुम ही निगरानी करो, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। ठीक है, छोड़ो मुझे, मेरा गुनाह क्या है, मैंने किया क्या है? छोड़ो मुझे। हम पर रहम करो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मेरा गुनाह क्या है, मैंने किया क्या है? छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, इसे छोड़ दो। याकूब चरवाहा है, हाकिम लाबान का भांजा। काहिने बहुत रहम पर रहम करे, फारस ने कुछ नहीं किया। काहिनों की यही सजा है। फद्दान के लोगों, मेरी मदद करो, मैं बेगुनाह हूँ। फारस को सजा मिलनी ही चाहिए। Oh, my God.
दो मुझे। आखिर मेरा गुनाह क्या है? मैंने अपने हक का दिफा किया है। पत्तान के लोगों, पत्तान के लोगों, कुछ पढ़ो। मुजरिम फारस इश्तार का दुश्मन है। इसने पत्थर से इश्तार पर हमला किया और इसे बेकार और फजूल कहकर पुकारा है। फद्दान के कदीमी रसूमात के मुताबिक जो कोई भी अजीम इश्तार की इहानत का मुर्तकिब होता है उसे मंजनीक के जरिए नजर आतिश किया जाता है। मैं बेगुनाह हूँ, मेरी मदद करो। काहिन आजम, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मेरी मदद करो। फद्दान के लोगों, मेरी मदद करो, मुझ पर रहम करो, मैं बेगुनाह हूँ। मैं फद्दान के लोगों, मैं फद्दान वालों, मुझ पर रहम करो, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, रहम करो, छोड़ दो मुझे, मैं बेकसूर हूँ। मुझ पर तरस खाओ, मुझ पर रहम करो। मैं फद्दान के लोगों, मेरा गुनाह क्या है, मेरी खता क्या है? मैं बेगुनाह हूँ, बेगुनाह हूँ मैं। फुजूल में मत चिल्लाओ, या तो तुम अपना खून बहा अदा करो, आग में जलने के लिए तैयार हो जाओ। इसका खून बहा कितना है, मैं अदा करता हूँ। तुम अदा करोगे? क्या वो खुद इश्तार के दुश्मनों में से है? तुम तो खुद इश्तार के दुश्मनों में से, पहले अपना तो खून बहा अदा करो। फिर मुझे क्यों नहीं गिरफ्तार करते? मंजनीक के जरिए नजर आतिश होना तो मुझे अजदाद से विरसे में मिला है। मेरे दादा इब्राहिम भी एक बार नमरूद के हुक्म से आग में फेंके गए थे। तुम अगर अब तक गिरफ्तार नहीं हुए तो वो भी हाकिम की वजह से, क्योंकि तुम उसके भांजे भी और दामाद भी। यानी हाकिम और हुकूमत से मंसूब अफराद तुम्हारे खुदाओं की तौहीन भी कर दें तो भी राय की सजा नहीं? इसे गिरफ्तार करो और उसके दादा की तरह इसे भी आग में डाल दो। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। ए, यहाँ क्या हो रहा है? उसे छोड़ दो और इस मुलजिम को भी छोड़ दो। फारस को सजा मिलनी चाहिए। जब याकूब उसका खून बहा अदा कर रहा है तो तुम लोगों को हक नहीं कि उसे सजा दो। इसे आजाद मत करो। याकूब, तुम्हें 500 दीनार फारस का खून बहा अदा करना होगा। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं यह रकम अदा कर दूंगा। खुदा मेरे अजीज मामू को सलामत रखे। आखिर मैं कब तक तुम्हारी हिफाजत करूं कि तुम पर कोई मुसीबत ना आए? हम शुक्र गुजार हैं आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या कर रहे हो? मैं आपका शुक्र गुजार हूँ। जब तक मैं खून बहा अदा नहीं कर देता आपके लिए काम करूंगा, आपका बेदाम गुलाम बनकर रहूंगा। आपने फारस के पूरे खानदान को निजात दी है, आपने हमें नई जिंदगी अता की है। चलो आओ चले।
अच्छा आदमी है, बेचारा हमेशा काम में जुटा रहता है। साला साल से इश्तार फद्दान और बाबुल के लोगों की कुर्बानी मांग रहा है। अगर खुदा लाबान को हमारी मदद के लिए ना भेजता तो ये हम दोनों को ही जला देते। पारस को चाहिए कि अपनी जिंदगी की निजात मिलने पर इश्तार परस्ती को छोड़कर यक्ता परस्त हो जाए। हो गया है राहिल, वो हो गया है। जिस लम्हे उसे मौत से निजात मिली है वो यक्ता परस्त हो गया है। हमारा नन्ना मेहमान कब आ रहा है? बहुत जल्द या नबी खुदा, अब ज्यादा देर नहीं। अरसे दराज से इस बच्चे के इंतजार में हूं। अगर खुदा ने चाहा तो जल्द ही ये इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएंगी। सरदा और उसके हमराइयों पर दुरूद हो। याकूब गल्लाबान पर दुरूद हो। शुक्रगुजार हूं। लगता है कि इश्तार के लिए नजराने लेकर जा रहे हो। खुदाओं को खुश भी तो करना है, वरना इस साल बारिश का कोई इम्कान ना होगा। ऐसा नहीं लगता कि इन खुदाओं से कहीं ज्यादा तुम्हें इन खजूरों की जरूरत है। कुछ लोगों ने तौहीन करके खुदाओं को गजबनाक कर दिया है और अब हमें उसकी तलाफी करनी होगी। आपको यकीन है कि फद्दान पर माविद इश्तार के ये बेजान पत्थर के मुजस्मे बारिश बरसाते हैं? तुम्हारी इन्हीं बातों ने खुदाओं को गजबनाक किया है और उन्होंने सरजमीन फद्दान से बरसते बादलों को दूर किया है। खुदाओं की तौहीन करने से बाज आ जाओ याकूब। ये खुद पर कैसा जुल्म है कि खुदावंदे कादर मुतलक को छोड़कर कमजोर और नातवा मुजस्मों की परस्तिश करते हो? क्यों अपने तारीख कुलूब को खुदा यक्ता पर ईमान लाकर मुनव्वर नहीं करते हो? इश्तारे बुजुर्ग, बारिश बरसाने वाले खुदा, तुम्हारी इबादत का को तुम्हारी दुश्मनों के खौफ से पाक करती हूँ ताकि तुम इस सरजमीन को खुशहाली से निजात देकर फद्दान के लोगों पर अपनी रहमत की बारिश बरसाओ। ए इश्तारे अजीम, तुम्हारे माबूद को तुम्हारे दुश्मनों के खून से गुसल देती हूँ। शायद कि इस तरह के तुम इस सरजमीन से खुशहाली को दूर करके फद्दान के लोगों पर बारान रहमत। हमेशा की तरह माबूद के सामने खड़ा होकर खुदाओं की तौहीन कर रहा है। ये सरदार उसके बीवी बच्चों से बातें कर रहा है लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। दूर करो और अपनी रहमत की बरसात याकूब पास आने वाला नहीं है, फद्दान के लोगों पर नासिल करो। ए इश्तारे अजीम, याकूब ने फिर वही करना शुरू कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि वो खैर और गजब का शिकार हो। अब उसके साथ क्या करें? तुम बस लाबान को यहाँ बुलाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जल्दी से लाबान को बुलाकर लाओ। आली जनाब, माबूद इश्तार के बड़े काहिन ने आपको वहाँ बुलाया है, हमारे साथ चलिए। कोई खास काम है? जी आली जनाब। अब बस करो। अगर अब की बार चोरी की तो कोड़ों से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। वादा करता हूँ मेरे बाप की तौबा। खोलो इसे।
मेरे साथ आओ। ज़ाहिरन मसला याकूब चरवाहे से मुतल्लिक है। याकूब अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है, मैं जवाब दे नहीं। वो खुदाओं के खिलाफ बातें कर रहा है। ये काहिनों की जिम्मेदारी है कि उसके सवालों का सही जवाब दे। अगर जवाब देने की सकत नहीं रखते तो मुझे क्यों जहमत देते हो? खुदाओं का खुदा इश्तार अजीम गजबनाक है, मुझे कैद और खुशकसाली नजर आ रही है। फदान के लोगों पर खुशकसाली और मौत का साया मंडला रहा है। मैं कहने आजम को बुलाता हूं। रसीदा माएं देख रही हूँ, इश्तार को गजबनाक किया गया है। इश्तार अपने मुकाबले में कुफ्र और तोहिन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी ने इश्तार को गजबनाक किया है। जिसने खुदा की तोहिन की है जल्द ही अपने अंजाम को पहुंचेगा, अजाब से दो चार होगा। इश्तार बुजुर्ग कुर्बानी मांग रहा है। याकूब को कुफर हमेश बातें करने से क्यों नहीं रोकते? लोगों के ईमान के जिम्मेदार तुम लोग हो, उसकी बातों का जवाब दो। मैं हाकिम हूँ ना कि काहिन। याकूब अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। लेकिन वो तुम्हारा भांजा और तुम्हारी बेटियों का शौहर है। फदान के अमनो अमान की जिम्मेदारी मुझ पर है, मेरे भांजे के अमाल पर नजर रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं। इसी वजह से तुम्हें उसे रोकना चाहिए। उसने अमन अमान को बर्बाद कर रखा है। शहर के अमन को दोबारा बहाल करो। कहत बहुत जल्द हमें अपनी लपेट में ले लेगा और याकूब इन तमाम बातों का बाइस है। वाह बहुत खूब, याकूब अब तक तो मेरी भेड़ों की कसरत और नेमतों में इजाफे का बाइस बना रहा है और अब वो फद्दान के कहत और बदबख्ती का बाइस हो गया है। इसलिए कि अब याकूब खुदाओं पर कुफ्र बकता है। वो पहले भी बाबुल के खुदाओं पर ईमान नहीं रखता था तो इस वक्त क्यों? अब तक उसने अपने अकीदे को पोशीदा रखा हुआ था, अब बरमला इजहार करता है। मजमाए आम में बरमला इश्तार की तोहीन करता है। तुम्हें उसे खामोश रहने पर मजबूर करना होगा। करना होगा? हाँ करना होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हुकूमत बाबुल ने तुम्हें यहाँ किस काम पर मामूर किया है? तो गोया तुम जानते हो कि किसने मुझे यहाँ पर मामूर किया है। बेहतर होगा कि ये भी जान लो कि मैं हुकूमत बाबुल के हुक्म का पाबंद हूँ, न तुम्हारे न ही माबद इश्तार के। बस तो फिर ठीक है, अगर बाबुल ने माबद इश्तार के कहीं ने आजम इस माजरे से बाखबर हो जाए तो हमें मत कहना। याकूब से बात करूंगा। याकूब से कहना कि अगर उसकी तरफ से मुझे या मेरे खानदान को कोई खतरा पेश आया तो उसके तमाम खानदान को आग लगा दूंगा। जो पिल्ला अपने माँ बाप से पहले भौंकना शुरू कर दे तो वो जल्द ही भेड़ियों का लुकमा बन जाता है। अपनी जबान को लगाम दो। इस बार माफ कर रहा हूँ, अगली बार माफी की गुंजाइश नहीं। अगर कहत हमारी फसलों की तबाही और बर्बादी का बाइस बना तो याकूब और उसके घर वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम पर आई मुश्किल की वजह याकूब ही है। सलाम बाबा, खुश आमदीद। सलाम बाबा। फद्दान शहर के हाकिम को इतनी फुर्सत मिल गई जो आप अपनी बेटियों से मिलने आए हैं? ये याकूब सुधरेगा नहीं। क्या हुआ बाबा, फिर माबूद इश्तार के काहिनों ने याकूब की शिकायत की है? तुम्हारे ख्याल में ये सब जो फितना परदाजियां हैं काहिनों के कारस्तानियां हैं और उस याकूब की कोई खता ही नहीं। आप खुद बेहतर जानते हैं कि याकूब सिवाय अबलागे रिसालत और अपने फराइज की अंजामदेही के और कुछ नहीं करता। उसे माबद इश्तार के हजारों साल पुराने आइन से क्या मतलब? अगर वो चाहता है कि अपने बाप दादा के दीन के बारे में बताए तो ठीक है बताए, वो मेरे खानदान को भी तबलीग करे, लेकिन दूसरे लोगों के अकीदों की तौहीन क्यों? आप गलती पर हैं बाबा,
वो लोग इस तबलीग के भी मुतहमल नहीं हो सकते। बाबा, याकूब आईने यकता परस्ती की तबलीग पर मामूर हैं। उनके वालिद इसहाक और दादा इब्राहिम के आईन की, और आप भी फदान के लोगों के अमन व अमान की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। वो अपने फराइज अदा कर रहे हैं और आप अपने फराइज की अदायगी करें। तुम लोग भी उसी की तरह बेबाक और गुस्ताख हो गए हो। अगर मैं अपने फर्ज पर अमल करूं तो तुम लोग दश्तो बयाबा में सरगर्दा हो जाओ। बाबा, मैं और मेरी बहन लिया अपने शोहर के दीन पर हैं और आईने यकता परस्ती की तरवीज में उनकी हिमायत करेंगे। तुम सब पागल हो गए हो, क्यों मेरे मकाम व मंजिलत के दर पे हो? जानते हो अगर बाबुल के माबदे इश्तार के काहने आजम को पता चल जाए कि मेरा भांजा फद्दान में माबदे इश्तार के खिलाफ तबलीग करता है तो मुझ पर क्या मुसीबतें टूटेंगी? याकूब के खुदा की कुदरत और ताकत बाबुल के हाकमों की कुदरत से कई ज्यादा है। याजम इस बात का ज्यादा सजावार है कि हम और आप अपने खुदा से डरें। मुझे ना उसके खुदा से कोई सरोकार है ना इनके खुदा से। याकूब को हक नहीं कि वो फद्दान में मेरे मकाम और मंजिलत को तहबाला करे। राहिल, क्या हुआ मेरी बच्ची? राहिल, तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया? वक्त करीब आ गया है बलदा, दाई को खबर करो जल्दी। फारस जी। आली जनाब, सहराए जतून जाओ और याकूब से कहो कि जल्दी यहाँ आए। जल्दी करो, मेरा घोड़ा ले जाओ। गल्लाबानी वहशियों की रहनुमाई करना है और नबुवत इंसानों की रहनुमाई। शायद इसी वजह से अक्सर अंबिया चरवाहे थे। मैं जो इसराइली हूं, अपने बेटों को सहरा में लेकर आया हूं ताकि वो रहनुमाई करना सीख लें। मेरे बेटे बनी इसराइल जोर आजमाई और ताकतवरी को मियारे बरतरी और सरदारी क्यों समझते हैं? मैंने तो उन्हें जोर आजमाई और ताकतवरी नहीं सिखाई है। सब उठ जाओ, चलो उठो, उठो, उठो। मेरा जानशीन और खानदान का बड़ा वो है जो खुदा को सबसे ज्यादा चाहता है, ना कि वो जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। इब्राहिम और इसहाक बेहतरीन इंसान थे, ताकतवर तरीन नहीं। क्या हुआ है? तुम लोग गल्ला लेकर आओ। बाबा कहाँ चले गए? कुछ नहीं हुआ, गल्ला जमा करो, हम वापस चलेंगे। बलदा जी, राहिल तुम्हारी सौकन है। हाँ, तुम्हारे राहिल से ताल्लुकात अच्छे हैं? अच्छे थे जब तक इनके बच्चे ना थे। राहिल भी मेरे साथ अच्छी थी और याकूब भी, लेकिन अगर वो दोनों साहिब फर्जंद हो गए तो मैं जानती हूँ कि फिर मेरी कोई अहमियत नहीं रहेगी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? याकूब और राहिल बहुत अच्छे इंसान हैं। याकूब राहिल को बहुत पसंद करते हैं। अगर उसका बच्चा भी हो गया तो उसको तमाम बीवियों पर ज्यादा अहमियत हासिल हो जाएगी। कितनी बीवियाँ हैं उनकी? मैं, लिया, जुल्फा और राहिल,
सारी बीवियों को? हाँ, मुझे लिया और जुल्फा को तो फिर भूल ही जाएंगे। जल्दी करो, अगर देर हो गई तो फिर तमाम जिम्मेदारी मेरी गर्दन पर होगी। मुझे नहीं लगता, याकूब एक मेहरबान और आदिल शख्स है। अगर हसद करने के बजाय जरा मोहब्बत से पेश आओ तो तुमको भी जरूर चाहेगा। जनाब लाबान पर दुरूद। बेहतरीन इनाम दूंगा, मुझे जच्चा और बच्चा सही और सालिम चाहिए। परेशान मत होइए, मैं एक तजर्बाकार दाई हूँ। घबराओ मत राहील, खुदा बड़ा अजीम और मेहरबान है। राहील, 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 ये बेहोश हो गई। राहील, राहील, राहील,